Hey guys, welcome back एक नए वीडियो में। गेस करो आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आज हम इतना तैयार होके आपको हमारा घर दिखाने वाले हैं। आज क्या वीडियो होने वाला है हाउस टूर। और अभी हम जरा पीछे गाड़ी आ रही है, एक मिनट पर टेक 24। तो हमारी पड़ोसन भी हमें झांक के देख रहे हैं करके यहाँ पे। हाँ, लोग थोड़ा वीडियो बनाना थोड़ा अनयूजुअल होता है ना, इसलिए तो लोग देखते हैं। हम लोग खड़े हैं अभी अपने बिल्डिंग के नीचे, हमारी गली है ये। हाँ, वो हमारी बिल्डिंग है। क्योंकि सांस भी कभी। Let me give you a very warm welcome to our house. और ये मेरी छोटी सी साइकिल है। ये बहुत पुरानी साइकिल है। कहाँ से ली थी आपने? वैसे जर्मनी में सेकेंड हैंड मार्केट का बहुत अच्छा सा स्वीट सा कल्चर है और बहुत अच्छे वर्किंग कंडीशन में यू गेट एनी थिंग एंड एवरी थिंग इन लेन देन। यू सी दिस एरो। ये एरो का बेसिकली मतलब ये है कि जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जिन जिन घरों पे एरो बनाए जाते थे वो घर नहीं, मतलब एज अ शेल्टर यूज कर सकते थे, जिनको नीड होती थी तो उस घर में रह सकते थे, अंदर जा सकते थे। हमें किसी जर्मन ने बताया था, ये बड़ा यूनिक सा है। वैसे हम इससे आपको पता चल गया होगा हमारी बिल्डिंग बहुत पुरानी है। हाँ, यहाँ पे मतलब जब लोग चलते भी हैं तो ऊपर नीचे से थोड़ा सा आवाज आती है फुटस्टेप्स की, तो लोगों को थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ता है। इस बारे में ऊपर बैठ के आराम से बात करेंगे। हाँ, चलो। ये हमारी बिल्डिंग का मेन गेट है। हमें इसकी चाबी बहुत संभाल के रखनी पड़ती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे चाबियाँ बहुत महंगी बनती हैं। 10-10, 15-15 हज़ार की दूसरी चाबी बनती है। और ये डोर बेल्स होती हैं, यहाँ पे सबके नाम लिखे होते हैं, तो जो भी आएगा बेल करके। ये डोर ऊपर से भी खोला जा सकता है। केस बोल सकते हैं। और हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, लिफ्ट नहीं है, तो इसलिए अब चलते से जाना पड़ेगा। और हमारे चाबियों के गुच्छे में सांस फूल गई। ये हमारे घर की चाबी आप इसे खोलते हैं। आई आई वेलकम टू द हाउस। ऑल्सो अ वेरी वार्म वेलकम टू आर 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आप लोग ने जिन जिन ने अभी सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज कर दो, इट मीन्स अ लॉट टू अस। आ जाओ। तो ये है हमारा मेन गेट। यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। एंटर करते ही मतलब एंटर करते ही लेफ्ट में हमारा किचन आता है। दिस रैक इज वेरी इम्पोर्टेंट, जो मैंने भी जर्मनी में आके सीखा है कि आप घर आते ही पहले जूते उतारते हो, अपनी जैकेट्स उतारते हो, अम्ब्रेलाज रखते हो। हैमबर्ग में स्पेशली अम्ब्रेला की तो बहुत स्पेशल जगह होती है। चलो, जूते उतार दिया और सुंदर सी पिंकी पिंकी चप्पल पहन ली, आप किचन दिखाते हैं। ऑल्सो यू हैव टू काउंट द प्लांट्स इन आवर हाउस, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले बहुत प्यारी सी चीज से, ये हमारा छोटा सा क्यूट सा फ्रेम है। एंड हियर वी हैव आवर स्टोरेज। यहाँ पे हम अपने जो हमने इंडियन स्टोर की, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, वहां से हम अपना सारा सामान लेके यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। एंड दैट्स द लिटिल चिमनी। इस चिमनी का वैसे इतना खास यूज है नहीं, ये बेसिकली सारा स्टीम अब्सॉर्ब करती है, ऊपर कहीं छोड़ती नहीं है। हियर आल्सो वी हैव अनदर स्टोरेज। यहाँ पे हम अपने सारे बर्तन रखते हैं। वो तो दिखाओ। देखो यहाँ पे आप सारे बर्तन और बहुत क्यूट क्यूट क्रॉकरी भी रखते हैं, जहाँ पे मेरा हाथ पहुँचता नहीं है। जर्मनी की किचन मुझे लगता है कि थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे दे हैव अवन, जो हर इट्स वेरी क्लासिक। यहाँ पे हर किचन में आपको अवन जरूर मिलेगा। हाँ। और यहाँ पे चूल्हा तो मिल नहीं सकता, तो इंडक्शन होता है। चूल्हा मिलता है बट बहुत कम होता है लोगों के घर पे, ज्यादातर लोग इंडक्शन यूज करते हैं। वी हैव आवर अवन जो उसके नीचे थोड़ी सी और अवन का सामान रखने के लिए। हाँ, मतलब स्टोरेज का काफी है, बट हमें फिर भी थोड़ा लगता है कि कम है, थोड़ा और हो सकता था। यहाँ पे हम सारा अपना, यहाँ पे हम अपने सारे स्पून, चकला बेलना वाला, रोलिंग पिन, और यहाँ पे बड़े वाले बर्तन रखते हैं, वो भी दिखाओ। हमारी अच्छी कलेक्शन है बर्तनों की, सब कुछ है हमारे पास। एंड ये बड़ा सा स्टोरेज है, गेस करो यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे ध्रुव के क्लीनिंग टूल्स है, जो हम नहीं दिखा रहे आज। एंड वेरी वियर्ड थिंग, हम यहाँ पे रसोई में ही वॉशिंग मशीन रखते हैं। एंड लुक एट दिस वेरी क्यूट कॉर्नर। ये आपने बनाया था ना? नहीं, ये आपका आइडिया था। हाँ, ये आइडिया मेरा था, बट आई मस्ट टेल यू, आप इस घर में जो भी क्यूट और एस्थेटिकली प्लीजिंग चीजें देखोगे वो मेरे हस्बैंड को क्रेडिट जाता है।
हम यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई हम दोनों को मग्स कलेक्ट करने का क्या शौक है. ये हमने इटली नहीं हम कहाँ गए थे पेरिस. ये हमने पेरिस से लिया था. ये हमने आई गेस ये वियना मार्केट से लिया था क्रिसमस मार्केट से. और ये पता नहीं कहाँ से लिया था. ये हमने इधर से लिया था शायद जर्मनी से. वो हमने इंडिया से लिया था. हाँ. नाउ लेट्स मीट माय बेबी फ्रिज. हमारा वैसे गोल तो है कि ये सारे फ्रिज मैग्नेट्स नीचे तक भर जाए. आज सबको मैग्नेट्स दिखाते हैं. ये देखो ये था पेरिस. ये भी पेरिस. ये तो डिज्नीलैंड है. ग्रीस. ये हमारा हनीमून वाला. हाँ. बाई चांस हमारे पास वहां की कार्ड रह गया तो हमने उसको सोवेनिर की तरह यूज कर लिया. हाँ, मैं रिसेंटली ये इंडिया से लेके आई हूँ बस ग्रुप के लिए. बट द गोल इज टू फिल दिस. लेट्स रिमेम्बर दिस. भर देंगे बहुत जल्द. और ये देखो ये हमारा और सबसे देसी प्यारा सा सेक्शन. यहाँ पे मेरी सारी की सारी दालें हैं. ये मेरी स्नैकिंग करने वाली कुकी है. उस सेक्शन पे ना मेरा हाथ जाता है ना मैं वहाँ खुद जाती हूँ. सब जिम का सामान है. ग्रुप का प्रोटीन वगैरह सब भरा हुआ है. यहाँ पे ऑल द मसालाज एंड स्पाइसेस. इफ यू नोटिस हर सेक्शन में मैंने कुछ ना कुछ स्नैकिंग कर रखा है. अगेन ग्रुप का थोड़ा सा क्या कहते हैं ग्रुप इसको प्रोटीन है और वो माइक्रोवेव है. और नीचे अगेन भी आपके स्टोर थिंग्स स्टॉक प्याज लहसुन और दाले वाले जो भी बच जाता है नीचे डाल देते हैं. राइट. एंड आई होप तुम लोग काउंट रख रहे हो यहाँ से मोर प्लांट्स. प्लांट्स बहुत हैं. मैं मेरे को प्लांट्स का काफी शौक है तो घर में अच्छे लगते हैं ऐसे प्लांट्स. बिल्कुल बिल्कुल. और अगर लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि अच्छा है या नहीं. मैं मना नहीं कर रही. बहुत अच्छा है. हमारे किचन सुंदर प्लांट्स की वजह से ही लगता है. और बाय द वे दिस इज आवर न्यू एडिशन. डू यू नो ये क्या है. ये हमने सुपरमार्केट से लिया है. दिस इज पुदीने का पौधा. पुदीने का पौधा नीचे तोड़ के यूज करते हैं इसको. और ये हमारा ये गीजर नहीं सॉरी दिस इज हीटर. नहाते नहीं है हीटर. ये हर एक रूम में जर्मनी में आपको ऐसा एक हीटर दिखेगा. बाथरूम में भी दिखाएंगे आपको. कॉर्नर पे इनके नॉब होता है. हाँ. इससे इनका टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो. एंड हियर इज अ वेरी क्यूट लिटिल बालकनी जहाँ पे हमने अभी दो चेयर्स और एक छोटी सी टेबल रखी है. चलो चलो. दिस वन थिंग जो मुझे बड़ी अजीब लगी थी पहले दिन पे जब मैंने गेट खोल के देखा था मैं बहुत डर गई थी कि मुझ पे गिरने तो नहीं वाला. इसको पूरा ऊपर करते हैं हैंडल को. एंड दिस कम टुवर्ड्स यू लाइक दिस. तो ये थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए ऊपर से खुल जाता है. राइट. और ये सारे विंडोज में दिस सब में. हाँ. फिर आप इसको वापस से ऐसे करते हो ताकि ये ऐसे खुल जाए. पूरा खुल जाए. राइट. एंड देन वी हैव अ लिटिल लॉक ओवर हियर ताकि दूसरा भी खुल जाए. तो ये हमारी बालकनी है जहाँ पे हम कभी कभी बैठ के चाय पे चर्चा कर लेते हैं. हाँ, बस अभी बालकनी हम थोड़ी सी हमारी रह गई है कि हमने यहाँ पे ज्यादा प्लांट्स नहीं लगाए क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला. लगा रहे हैं आप देखो क्योंकि टाइम नहीं मिला. बट यहाँ पे काफी सारे फ्लावर्स हमने यहाँ पे लगा दिए हैं जो 2 महीने में या 3 महीने में उगेंगे. बहुत सुंदर सुंदर बगीचा बनने वाला है मेरी छोटी सी प्यारी सी बालकनी. चलो लेट्स शो यू मोर. बाय द वे दिस सेक्शन ओवर हियर ये हमारा अपना स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं. ये टेक्निकली स्टोर रूम ही है. बस हम जो हमें लगता है कि घर में जरूरत नहीं है हम इधर फेंक देते हैं. कबाड़ जैसा बन चुका है. नहीं ऐसा भी नहीं है. हमारा वैक्यूम क्लीनर हमारा मॉप और हमारी ग्रोसरी ले जाने वाला बैग और हमारे कपड़े सुखाने वाला और क्या कहते हैं इसको स्टैंड एवरीथिंग इज हियर. इट्स अ वेरी यूजफुल स्पॉट. चलो सो दिस वाज आवर वेरी क्यूट लिटिल किचन. एंड यू नो ध्रुव ने ऑब्वियसली मेरे यहाँ पे आने से पहले ये दोनों फर्नीचर सेपरेटली लिए थे. वो बाय चांस सेम मिल गया था क्योंकि अगर आप देखो तो इनका पैटर्न सिमिलर है. इफ यू नोटिस ये मैंने पहले लिया था और बाय चांस मुझे बाद में मिल गया था तो ये एकदम मैच कर रहा है अब. ऑल्सो ये भी मुझे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस. ये भी मुझे लगा था कि बड़ा ये क्या हो रहा है. सी सबको पता है कि जैसे टैप वाटर यहाँ पे सेव होता है आप टैप से पानी पी सकते हो. तो इस जग में हम लोग टैप से पानी भरते हैं वो धीरे धीरे प्यूरिफाई होकर नीचे जाता है. फिर हम इसमें से लेके पीते हैं. हाँ, वो थोड़ा सा पानी ये कि जो टैप वाटर में थोड़ा सा हल्का सा हार्ड होता है और वो थोड़ा सा फिल्टर जो है उसकी हार्डनेस को कम कर देता है. राइट. और इस टेबल पे हम अपना मतलब फ्रूट्स या राइट छोटी मोटी चीजें रखते हैं. मसाले दानी छोटी छोटी. हाँ वो इधर ही रहता है. राइट. हमारा राइस और आटा जो कि बहुत जरूरी है. आप प्लांट्स काउंट करो. इधर आके हमारे शीशे पे दिखाओ. जब भी हम कभी रेडी होके जा रहे होते हैं तो हम यहाँ पे एक सेल्फी जरूर खिंचवाते हैं. और प्लांट यहाँ पे.
चलो लेट मी शो यू दिस वेरी 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 यूजफुल कैबिनेट ऑफ आर्स. ये है हमारी प्यारी सी जोधपुर की फोटो और ये मेरी मम्मी ने हमको प्यारे से बुद्धा जी गिफ्ट किए थे. ये ट्रिप का प्यारा सा डिफ्यूजर ये मैं खोल के आपको आज नहीं दिखाने वाली हूँ बिकॉज आई एम लिटिल मेस ओवर हियर. यहाँ पे मेरा सारा मेकअप और बाकी सारा सामान रहता है. लेकिन हमारा सेक्शन ये भी ऑर्गेनाइज्ड है. यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह है हमारा. ये सेक्शन सॉक्स का है, ये सेक्शन मेकअप का है. आ जाओ और दिखा जो जो आज नहाया नहीं है सीधा अंदर घुस जाओ. ये हमारा बाथरूम है. ऐसे खोलिए महारानी की तरह ऊपर चढ़ के आप नहा सकते हो. लेकिन जैसे महारानी आराम से बैठ के नहाती है ना, बैठ के नहीं नहा सकते आप. यू हैव टू स्टैंड अप एंड टेक द शावर. और बाय द वे हमें कभी ऐसे चांस नहीं मिला हम अपने बाथरूम में कुछ भी चेंजेस करें. हमें ये सब कुछ ऑलरेडी पहले से मिला हुआ था और हमें नीड भी नहीं लगी. ऐसे ये कॉम्पैक्ट अच्छा लगता है. एक ही कैबिनेट है और एक ही कैबिनेट साथ हम अपना क्लीनिंग का सामान रखते हैं और किसी की जरूरत नहीं है. बाकी सारा हम टॉवल्स वगैरह सब इसी के पीछे सुखाते हैं और इस डोर के पीछे हमारे कपड़े हैं और बस उसके अलावा इतना कुछ नहीं है. अच्छा सा क्यूट सा छोटा सा बाथरूम है जिसमें भी वी हैव वेरी क्यूट थ्री लिटिल प्लांट्स. आपको ध्रुव दिखाएगा हमारा बहुत प्यार सा बेडरूम. तो बाथरूम के बाद आगे जाके लेफ्ट में ये है हमारा बेडरूम. आ जाओ. तो ये है हमारा बेडरूम. यहाँ पे हमने ज्यादा कुछ चेंज किया नहीं है ना, ज्यादा हमने यहाँ पे कुछ लगाया है. इतना वॉल आर्ट भी नहीं है यहाँ पे. बस हमने अपनी प्यारी सी शादी की फोटो यहाँ पे लगाई हुई है. ये मेरी फेवरेट फोटो है. यहाँ पे हमारा है वार्डरोब. थोड़ा बहुत तो दिखाई सकते हैं. बिल्कुल. यहाँ पे हम अपना सारा सामान रखते हैं. अपने जैकेट्स और शर्ट्स वगैरह हम इधर हैंग करके रखते हैं. बाकी अपने स्वेटर ऐसी पटक दिए हैं. बाकी निमिषा का सेक्शन आप देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजर रहता नहीं है ये वीडियो के लिए किया है. इसके अलावा एक सेक्शन यहाँ पे है जो थोड़ा सा मेस्ड अप है बट ठीक है. और हमने छोटे अपने बैग्स दोनों ऊपर रखे हुए हैं क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी है क्योंकि बड़े बैग्स बेड के अंदर है. और एक और प्लांट यहाँ पे. ये हमारा छोटा सा शेल्फ है जहाँ पे हमने थोड़ी मोटी चीजें रखी हुई है. हमारी प्यारी सी टेबल है. लैम्प. ये हमारा वर्क स्टेशन है. यहाँ पे हम अपना काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं. तो और ये जो फेसिंग है ये वही वाली है जो आपने किचन में देखी थी. तो किचन का बालकनी और ये वाली विंडो सेम है. यहाँ पे आपको मैं खोल के दिखा सकता हूँ थोड़ा सा वैसे. ठीक है, बच गया. और तो यहाँ पे आ जाओ. ये बहुत अच्छा सनसेट हो रहा है. मैं आपको बालकनी दिखा सकता हूँ. ओ हमारी बालकनी है ये वाली जस्ट साइड में. बेडरूम से निकल के अब हम चलते हैं अपने लिविंग रूम. वैसे हमारे बेडरूम में अभी आप आइडियाज देना कि हमें और क्या क्या करना चाहिए. और वैसे भी घर रेडी करने में रहो तो हाउस टूर आप कभी नहीं दे सकते. हमने थोड़ा सा टाइम अभी हमने लिविंग रूम में दिया है. अभी हमारा बाथरूम और बेडरूम बचा है तो वो और बेटर करके फिर से आपको कभी और हाउस टूर देंगे. तब तक के लिए लिविंग रूम देखते आ जाओ. तो हमारे बेडरूम के जस्ट सामने वाला रूम जो था वो लिविंग रूम का है. एंटर करते ही राइट पे वी हैव फोर सीटर डाइनिंग टेबल. अगेन अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल मिरर फॉर आवर सेल्फीज. ये हमारा क्यूट सा कम्फी सा काउच है. एंड ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप के प्लेस्टेशन खेलने के लिए टीवी. झूठ. यहाँ पे पूरा दिन नेटफ्लिक्स चलता है. और ये भी एक कैबिनेट है जो कि मतलब लकीली हमें अगेन हमें सेम पैटर्न मिला था. ये शेल्फ भी हमने बहुत अपने तिकड़म बिठा के लगाया है. और ये मुझे गिफ्टेड टॉयज मिले हैं. ये वाली जो फोटो है ये ध्रुवा मेरे हनीमून की. दिस इज फ्रॉम मालदीव्स. और यहाँ पे एक छोटी सी बास्केट है जो हमें काउच पे कभी हम लैपटॉप पे बैठ रहे हैं या कुछ चाहिए छोटी मोटी जो चीज है वो हम इस बास्केट में रखते हैं. रेस्ट यू कीप काउंटिंग द प्लांट्स. लेट्स कम टू दिस सेक्शन नाउ. वैसे हमारा डाइनिंग टेबल तभी यूज होता है जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं. मैं तो ध्रुव और मेरी इतनी गंदी आदत बन चुकी है, तो सोफे पे बैठ के खाएंगे या तो बेड पे चढ़ के बैठ के खाएंगे. और ये है हमारा वेरी फेवरेट एंड वेरी दिल से प्यारा सेक्शन. एक एग्जांपल है कि हम कैसे प्लान करते हैं, हमें कौन सा सेक्शन कैसा चाहिए, हम कैसे विजुअलाइज करते हैं. इधर आओ, लुक एट दिस. ये पूरा सेक्शन ऐसे पहले ही दीवार खाली थी, ऐसे ब्लैंक व्हाइट वॉल. तो हमने सोचा था कि हमें एक कैबिनेट चाहिए, उस पर हम पहले प्लांट्स रखने वाले हैं,
उस पर क्या क्या होएगा. फिर हमने फोटो की अलाइनमेंट प्लान करी कि हमें एक ऐसे साइज की फोटो चाहिए, एक ऐसी चाहिए. आफ्टर दैट जब हमें ये लगा कि ये डुएबल है, हमने सारा कुछ साइज वगैरह मेजर करा, कैबिनेट मंगवाया, फिर जाके हमने फोटोज डिसाइड करी कौन सी है. और ये मेरी शादी की फोटो है, हमारी शादी की फोटो है. दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड. ये मेरी मेहंदी की फोटो है और वो भी मेरी मेहंदी की फोटो है. ये हमारे किसी क्रिसमस की फोटो थी. ओके सॉरी, न्यू ईयर की फोटो थी. ये ध्रुव के बर्थडे की थी. दिस अगेन आवर हनीमून वो ल्यूबेक. जब आप पहली बार जब आप जर्मनी आए थे और हम घूमने गए थे, तो हम ल्यूबेक घूमने गए थे. हाँ, अगेन इसके अंदर भी हम अपना छोटा मोटा स्टोरेज का सामान रखते हैं. गोइंग फॉरवर्ड ये हमारे मंदिर है, जो हमें सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ पे मंदिर बनाना कैसे है. यहाँ पे मंदिर एक तो मिलते भी नहीं है. वो इंडियन स्टोर में मिलते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे और हैंग करने वाले हैं, और समझ नहीं आ रहा यहाँ पे हैंग कैसे करना है. तो हमको बाय चांस आइडियल साइज एक स्टूल मिला, उस पे हमने छोटे से कान्हा जी रखे, छोटे से गणेश जी रखे. चलो लेट्स गो फॉरवर्ड. आई थिंक ये वाला रूम ध्रुव और मैंने साथ में असेंबल करा है. हाँ, है ना ध्रुव? हाँ. ये कैबिनेट की तो आई गेस हमने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई है. आप देखो. हाँ, इसी कैबिनेट की वो वीडियो है जो हमने बनाया था. तो ये सोफा नहीं था, एक दूसरा सोफा था छोटा सा, और सिर्फ ये ही था. ये और एक सोफा था इस रूम में, और शायद ये डाइनिंग ये टेबल थी. हाँ, कॉफी टेबल थी. इसके अलावा कुछ नहीं था. नहीं. और अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देखो, और तब आपको पता चलेगा कि कितना चेंज हो गया ये लिविंग रूम सच में. ओ राइट, वो हाँ. उस वीडियो में क्लियर दिखने वाला है. और ये जब असेंबल कर रहा था तब मुझे समझ आया था कि भाई ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मेरे तो बस के है. इसमें हाँ थोड़ा सा मेहनत थी, ये थोड़ा भारी भी है. एंड अगेन यहाँ पे भी हमको थोड़े से स्टोरेज का सेक्शन मिला हुआ है. ये ध्रुव का सेक्शन है, पीएस है, इसको चाहिए ले जाओ, फ्री गिव अवे. ये हमारा स्पीकर, और दैट्स इट फॉर नाउ. यहाँ पे भी हमारी प्यारी प्यारी विंडोज है. हाँ. लेकिन इसका व्यू थोड़ा डिफरेंट है. इसका व्यू वो वाला है जो मेन एंट्रेंस है घर का. हम वहाँ नीचे खड़े होकर बात कर रहे थे जो हमने एंटर किया था, वो हमारा मेन गेट है. और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है. यहाँ पे भी जैसे आपको बताया था कि हर रूम में बड़े बड़े हीटर्स हैं. इसकी कहानी ध्रुव बताएगा. ये हमने साथ में बनाना स्टार्ट किया था लेकिन हम इसको कम्प्लीट नहीं कर पाए. इसमें आपने क्या, आपने ये कर रहा है. ये मेरी है. ठीक है, चलो आप जीत गए. तो ये था हम लोगों का हाउस टूर. ये वीडियो काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, काफी लोगों ने बोला था कि हाउस टूर दो. हम लोग बहुत टाइम से प्लान भी कर रहे थे बट लेकिन हमें कभी ऐसे टाइम नहीं मिला बनाने का, क्योंकि हम कभी ना कभी इधर थे, कभी कहीं जा रहे थे. वी होप आप लोगों को पसंद आएगा. और जैसा हमने नीचे बताया था कि ये घर, ये बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग बहुत पुरानी है, वर्ल्ड वॉर के टाइम की ये बिल्डिंग है. Obviously, वो मॉडर्न हाउस वाले फैसिलिटीज थोड़े से यहाँ पे लैग करते हैं. हाँ. जैसे आप यहाँ पे नंगे पैर नहीं चल सकते. हाँ, थोड़ा सा ऐसे धम धम वाली आवाज आती है अगर कोई नंगे पैर चलता है. नीचे हमारे नेबर्स को दिक्कत होती है अगर यहाँ पे ऑफ टाइमिंग्स में अगर थोड़ा सा भी लाउड म्यूजिक करो तो उनको सुनाई देता है. हाँ. आप क्या बात कर रहे हो. दीवारें बहुत पतली है, मतलब हमारे साइड वाले जो वॉल है इसके पीछे किसी का घर है. तो हम जैसे रात को अगर पार्टी भी कर रहे हैं, घर पे काफी सारे लोग हैं या गाना बजा रहे हैं तेज तेज, तो हम तो उनको प्रॉब्लम होता है. बट यूजली फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट्स को लोग इतना बोलते नहीं है, उनको पता है ये टाइम है. हाँ, 10-11 बजे फ्राइडेज को यूजुअली लोग एंजॉय करते हैं, यहाँ पे कल्चर ऐसा है. ऑल्दो हमारा घर बहुत पुराना है, यहाँ पे ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है कि मैं डांस नहीं कर सकती, मैं कूद के भाग नहीं सकती. लेकिन हमें ये घर छोड़ के जाने का मन नहीं करता, क्योंकि ये लोकेलिटी बहुत अच्छी है. यू गेट डाउन, यू हैव बस स्टॉप. आप थोड़ा सा ही वॉक करके जाओगे, ट्रेन स्टेशन है. ये गली से सामने जाओगे तो ये सारे लिडिल, रेवे, जो भी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स, कैफे हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे. ये यूजुअली मिलता नहीं है, मतलब ये बहुत रेयर तो नहीं कह सकते बट इतना कॉमन नहीं है. एक तो यहाँ पे घर ढूंढना बहुत मुश्किल है. हैमबर्ग में, पूरे जर्मनी में घर ढूंढना बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल से घर मिलते हैं. अपनी पसंद का घर नहीं मिलेगा, बहुत दूर मिलेगा, या तो जहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं है, बहुत दूर दूर सुपर मार्केट्स हैं. और ऐसे घर यूजुअली जो थोड़े से पुराने भी होते हैं और अच्छे, वेल बिल्ट, वेल मेंटेन्ड होते हैं, उनका रेंट यूजुअली अराउंड 800 यूरोस से लेके 1200 यूरो तक जाता है. दिस इज द रेंज आपको इसके बीच में मिल जाता है.
और हमारा भी उसी के बीच में ही है। जो और अच्छे घर होते हैं जो नए नए बने होते हैं, जैसे हमारे घर के पीछे एक बिल्डिंग है, वो जब मैं आया था तो बन रही थी, कुछ नहीं था वहाँ पे, अब वो बन गई है और सारे घर मतलब सब उसमें कुछ ना कोई ना कोई रहे, तो उनके रेंट काफी महंगे होते हैं, वो 1,000 यूरो से लेके 2,000 यूरो तक जाते हैं, मतलब 1,00,000 रुपीज से लेके 2,00,000 रुपीज तक पर मंथ इतना रेंट होता है। कि छोटे घर भी मिल जाते हैं जो सिर्फ सिंगल रूम वाले होते हैं, उनका रेंट थोड़ा सा कम होता है, बट सारी सिटीज का अपना अलग हिसाब है। ओके, और कोई सजेशन है अगर आपको और कुछ जानना है जर्मनी के बारे में तो कमेंट्स करके बताओ हम, ताकि एक और वीडियो बना सके। हमें भी आइडियाज चाहिए होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपना प्यार दिखाते हो कमेंट्स करके, सब्सक्राइब करके, वी रियली लव इट। हाँ, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ज्यादा वीडियोस बनाने का। अभी रिसेंटली हमारे 1,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए जो कि एक माइलस्टोन है हमारे लिए, और कांग्रेचुलेशन, बड़ा मजा आया था। गुड वर्क, गुड वर्क। जब हम इंडिया गए थे तब हुआ था, राइट, तब हुआ था, तो हम लोग अपनी फैमिली के साथ थे। फिर ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, वी होप आप लोगों को मजा आया होगा। और प्लांट्स बताना कितने घर में, प्लांट्स बताने नीचे कमेंट करके कि कितने प्लांट्स आपको दिखे और फिर मैं सही नंबर बताऊंगा कितने। जितने फिर आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा खाने का टाइम हो गया, अभी 9 बज रहे हैं तो खाना खा लेते हैं चल के। बाय।